नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक अड्डा। वैदिक अड्डा के आज के इस एपिसोड पे हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तथ्य पर बात करेंगे। हमारे एक जो व्यूअर्स से उन्होंने कमेंट करके हमसे सवाल ये पूछा था कि जिस प्रकार मनुष्य के मरने के बाद उनके आत्मा कुछ दिनों तक प्रेत लोक में चली जाती है, जिसे हम भूत भी कहते हैं अक्सर अपने बोलचाल की भाषा में, तो क्या जानवरों के साथ भी ऐसा होता है? तो उनका सवाल ये था कि क्या जानवर भी मरने के बाद उनकी जो आत्मा है क्या वो भी प्रेतलोक में जाती है या फिर ये सिर्फ मनुष्यों के साथ ही होता है? तो आज उनके इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। और ये सवाल अगर आपके भी मन में कभी कभी आता है या आ रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि आखिर क्या ये सच है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। सबसे पहली बात, अभी तक इस चैनल को देखने के बाद आप जान गए हैं आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, मरने के बाद इंसान का होता क्या है। आज का जो मुख्य विषय है इस वीडियो का वो है कि क्या मरने के बाद मनुष्य की तरह ही जानवरों की आत्मा भी प्रेत लोक में जाती है या फिर नहीं। इसका सीधा साधा एक जवाब मैं दूंगा कि बिल्कुल जाती है। इसका सवाल है, जवाब है हाँ, कि मृत्यु के बाद जानवरों की आत्मा भी प्रेतलोक में जाती है। ऐसा सिर्फ मनुष्यों के साथ ही नहीं होता, कीट पतंगे जितने भी जीव हैं, नाना प्रकार के जीव हैं, तो सभी जीवों के साथ ऐसा होता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, वो क्या है मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि मनुष्य की तरह ही जानवरों की आत्मा भी प्रेतलोक में जाती है। मान लीजिए मेरे घर में कोई कुत्ता है और उस कुत्ते की किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो बीमारी से मर जाता है, कुछ भी कारण से अकाल मृत्यु, तो उस अकाल मृत्यु के बाद जो है वो हो सकता है कि प्रेतलोक में चले जाए। अब जाएगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा जो भविष्य है, चाहे वह प्रेतलोक का हो या स्वर्गलोक का हो या अगले जन्म यानी पुनर्जन्म का हो, वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। हम जैसा ही कर्म करेंगे हमें पिछला जीवन जो है वैसा ही मिलेगा। तो पिछला जीवन कुछ भी हो सकता है, पुनर्जन्म भी हो सकता है, प्रेतलोक भी हो सकता है, स्वर्ग और नर्क भी हो सकता है। तो हमने अगर अच्छे कार्य किए हैं, जानवर भी अच्छे बुरे कार्य दोनों करते हैं, कुत्ते भी होते हैं तो एक अच्छे कुत्ते होते हैं जो बहुत शालीन होते हैं, किसी को नहीं काटते, अधिक नहीं भौंकते, और एक दूसरा किस्म का कुत्ता भी होता है जो हमेशा काटने को दौड़ता है, पिटबुल का नाम आपने सुना होगा। पिटबुल एक ऐसा कुत्ता है जो शांत रहता ही नहीं है। दिल्ली में, नोएडा में कई जगह केसेस हो चुके हैं, लोगों को बेवजह काट दिया है पार्क में और लोग मर गए हैं। तो उनका भी जो लेखा जोखा कर्मों का होता है वो भी उनके कर्मों के आधार पर ही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर वो कुत्ता किसी अकाल मृत्यु में मर जाता है तो हो सकता है कि उसकी आत्मा कुछ दिनों तक प्रेतलोक में चले जाए। अब बात कंडीशन की यह है कि मनुष्यों की जितनी सोचने की क्षमता है, शक्ति है, उतनी क्षमता और शक्ति जानवरों में नहीं होती। मनुष्य जानबूझकर, सोच समझकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, चोरी, बलात्कार, खून, ये सब जानबूझकर लोग करते हैं। ये अच्छे काम भी लोग जानबूझकर करते हैं, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं है। वे सोच समझकर या जानबूझकर कोई काम नहीं करते, उनके मन में जो भी होता है वे करते जाते हैं। उनके मन में होता है किसी को काटना है तो काट देते हैं, उनके मन में होता है कि नहीं, किसी को नहीं काटना है, उससे प्यार से पेश आना है तो वो प्यार से पेश आते हैं। तो उनकी जो विवेक क्षमता है बहुत कम होती है, और इसी कारण उनके कुछ कुछ गलती भी दोस्तों भगवान जो है माफ कर देते हैं। जी हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर 10 मनुष्य मरता है वो प्रेतलोक में जाता है, लेकिन अगर 10 जानवर मरते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी आत्मा भी मरने के बाद 10 के 10 जो आत्मा है प्रेतलोक में ही जाएगी। क्योंकि देखिए, आपने तो जानबूझकर गलती किया है ना, इसलिए आपको प्रेतलोक में सजा मिलेगी, नर्क में सजा मिलेगी, या फिर आपका पुनर्जन्म होगा, आपको मोक्ष नहीं मिलने वाली इतनी जल्दी। लेकिन जानवर क्या है, जानबूझकर वे गलती नहीं करते हैं, उनसे हो जाती है तो भगवान भी ये माफ़ कर देते हैं, क्योंकि भगवान को तो पता है ना, जो हमारे ईश्वर हैं,
कि किसमें कितनी बुद्धि है, किसमें कितनी क्षमता है, उस हिसाब से उनका जो सजा है उसका निर्धारण ईश्वर खुद करते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल जो आपने किया है इसका जवाब है बिल्कुल, इंसान की तरह जानवर भी मृत्यु के बाद प्रेतलोक में जाती है। तो उम्मीद है ये जो कन्फ्यूज़न है आपका ये दूर हो गया होगा। कोई भी कीट पतंगा हो, कुछ भी हो, जिसमें अगर प्राण है, मृत्यु के बाद प्रेतलोक में वो जाएंगे ही अपने कर्मों के हिसाब से। हो सकता है कुछ ना जाए, जिन्होंने अच्छा कर्म किया हो उन्हें सीधा स्वर्ग मिल जाए या उनका पुनर्जन्म हो, लेकिन जो पाप करते हैं उनके कर्मों के आधार पर अगर भगवान को लगे कि नहीं इस आत्मा को कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक प्रेतलोक में समय बितानी चाहिए, तो भगवान उसे प्रेतलोक में भेज देते हैं। ये ईश्वर के हाथों में है या इष्ट के हाथों में है। तो उम्मीद करते हैं आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आध्यात्मिक, परलौकिक, लौकिक चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ।